जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम टू यू ऑल इन योर सोशल साइंस क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ हैड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस with its positive and negative aspect. लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और ये अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अच्छा और बुरा दोनों इफेक्ट लेके आता है। हमने ये भी डिस्कस किया दैट लिबरल्स एंड रेडिकल्स डिमांडेड टू ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी एंड अपोज द कंजर्वेटिव रिजाइंस। एट लास्ट दीज लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिकम रेवोल्यूशनरी फोर्सेज एंड अबॉलिश द कंजर्वेटिव रिजिमीज। किस तरीके से लिबरल्स रेडिकल्स जो थे वो चेंजेस लाना चाहते थे और कंजर्वेटिव रिजमीज को बाद में इन्होंने रेवोल्यूशनरी फोर्स के थ्रू खुद रेवोल्यूशनरी बने और उनको हटाया। टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ डिड सोशलिज्म कम इन यूरोप। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये देखेंगे कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। देखिए, सोशलिज्म क्या है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। The ideology of socialism believed that the resources should be equally distributed in the society, and they were against the private property and centralization of the property. Socialist जो थे ये socialism की विचारधारा क्या कहती थी कि resources का centralization ना हो, किसी एक हाथ में ना रहे, equally distribution हो society में, और ये private property के against थे। फिर background of socialism in Europe, mid 19th century. अगर हम बात करते हैं बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, एंड दोज हु फॉलोड दीज आइडियाज केम टू नोन एज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन कहलाए? वो लोग जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और ये ट्रेंड पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के मध्य तक आते आते बन गया। पूरी दुनिया, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वी नो दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट सम नेगेटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, लाइक हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, नो जॉब सिक्योरिटी, लो वेजेस एटसेट्रा, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम अपने साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया। एट द सेम टाइम मीन्स socialism talks about equality of distribution of property and resources, these lower class people attracted towards it and they become the follower of socialism and known as socialist. देखिए, ये ह्यूमन नेचर होता है, जब हम किसी हार्डशिप से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, और उस समय कोई बंदा हमारे लिए नए विचार लेके आता है जो हमारे फेवर में है, हमारे इंटरेस्ट की बात करता है, तो इट इज़ नेचुरल दैट वी विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिम, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट वॉज सेम हैपन एट दैट टाइम विद द लेबर्स। जब ये रेडिकल और लिबरल सोशलिज्म की आइडियोलॉजी लेके आए और लेबर्स के फेवर में उन्होंने बात की कि नहीं, आपके साथ ये गलत है, वर्किंग आवर, ये हाउसिंग प्रॉब्लम, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लो वेजेस हैं, इतनी डिस्पैरिटीज़ हैं, तो सोशलिज्म की जो वो बात करते थे वो उसमें क्या था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में रिसोर्सेज का, प्रॉपर्टी का, तो जाहिर सी बात है कि ये लेबर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यही हुआ। दे बिकम द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म, और ये जितने भी लोग थे ये सोशलिस्ट बने। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे थॉट इट एज द रूट ऑफ द ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, दे वर अगेंस्ट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये जितने भी सोशलिस्ट थे ये कहते थे कि सारी समस्याओं की, इन सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो जाना, इसीलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वाई? देखिए, इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी एंड वर्कर्स वर्क अंडर दैम। इंडिविजुअल्स वेर द मास्टर और ओनर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हायर द वर्कर्स टू हैव द प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले जो ओनर होंगे वो कौन होंगे? वो इंडिविजुअल खुद थे, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ऐसे में वो क्या करते थे, दे यूज़ टू हायर द वर्कर,
खुद तो प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते थे, इंडस्ट्रीज उन्होंने लगा दी और वर्कर्स को रख करके उनसे काम कराते थे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कौन करता था, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता था इन इंडिविजुअल्स को, वो प्रोडक्शन करने वाले वर्कर्स थे। दीज इंडिविजुअल्स कंसर्न ओनली अबाउट देयर पर्सनल प्रॉफिट रेदर देन थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर्स ऑफ द वर्कर्स। दे थॉट अबाउट ओनली हैविंग देयर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड नॉट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द लेबर्स एंड द वर्कर्स हु आर मेकिंग देयर प्रॉपर्टी मोर प्रोडक्टिव। ये इंडिविजुअल्स केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे, वर्कर्स के बारे में नहीं सोचते थे। जिन वर्कर की मेहनत के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, उनके बारे में ये नहीं सोचते थे। सोशलिस्ट वॉन्टेड अ सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी। इन दिस वे द सोशलिस्ट वॉन्टेड दैट एन इंडिविजुअल शुड नॉट कंट्रोल द प्रॉपर्टी, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेक्शंस इक्वली, ठीक है। सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं ये समाज में सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, ठीक है। तो सोशलिस्ट वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल, सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज। कैसा चेंजेस चाहते थे ये सोशलिस्ट? हु वुड हैव गिवन द आइडिया फॉर चेंज। देखिए सोशलिस्ट चेंज तो चाहते थे, हमने कहा ना कि सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज, लेकिन इन चेंजेस का आइडिया दिया किसने? जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट को हम कहते हैं ना, हम लोग गांधी जी का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलते, नेहरू जी की बात करते हैं, सरदार पटेल, भगत सिंह, कि इनके कारण हमें आज़ादी मिली। कोई भी चीज़ें देखिए, लोगों को अवेयर कराना पड़ता है, जगाना पड़ता है। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लाने वाले, लोगों तक स्प्रेड करने वाले लोग भी कई फिलोसफर्स हुए। ये चेंजेस लाने वाले कौन से लोग थे? कई लोग थे, यहाँ पर हम स्पेशली चार लोगों की बात करेंगे। रॉबर्ट ओवन, आप देखिए फिगर पिक्चर भी है सबकी, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स, यहाँ स्पेलिंग एरर है थोड़ा, ठीक है। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वॉज नॉट गिवन बाय अ सिंगल पर्सन। कोई भी विचार, कोई भी चेंज किसी एक व्यक्ति के कारण कभी भी समाज में नहीं आता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसी तरीके से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी भी कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्टेड थी आपने देखा, और होते 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 कैसे कई लोग इससे जुड़े, ठीक है। और कोई एक पर्सन नहीं था जो सोशलिज्म लेकर के आया, ठीक है। देर वर सेवरल फिलोसोफर्स हु हैज़ गिवन आइडियाज़ टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, ठीक है, जिनमें से ये चार प्रोमिनेंट हैं, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इनके एंजल्स, इनके बारे में हम वन बाय वन अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा भी करेंगे इन चारों के ही बारे में। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कार्ल मार्क्स का। हाउ कुड अ सोसाइटी रन विदाउट प्रॉपर्टी, और व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? इसका मतलब है कि हाउ कुड वी रन अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी। हम कह रहे हैं ना प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई समाज कैसे बिना प्रॉपर्टी के चलेगा? एक्चुअली इट मीन्स दैट देयर शुड बी द प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी, बट इट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है। मतलब प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के बिना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, लोगों की लिवलीहुड कैसे चलेगी? लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ लोगों के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? इसका मतलब ये है कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, और ऑल दीज आइडिया हैड बीन गिवन बाय दीज अबव फिलोसोफर्स, वी मस्ट नो अबाउट इट, देन आवर कॉन्सेप्ट विल बी मच क्लियर। अगर हम इन फिलोसोफर्स के विचारों को पढ़ेंगे तो हमारा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक वीडियोस मेरे एक दो होंगे इन्हीं फिलोसोफर्स के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की बात करेंगे। सो For today, this is sufficient. Stay connected, keep learning on the bell icon. आज के लिए इतना ही, next video में
मैं स्पेशली अपना एक लेक्चर दूंगी, एक दो वीडियोस में हम चर्चा करेंगे डीपली इनके बारे में, तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक की आइडियोलॉजी के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियो। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।